अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और जब मेरा बेटा आ गया था, उसी के बाद से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और उसकी नानी ने उसको बहुत ही प्यारे प्यारे ये कपड़े दिए थे, शूज़ दिए थे। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी शर्ट्स थी चेक्स में, और जीन्स भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। दोनों शर्ट पे अच्छी लग रही थी ये जीन्स, और सॉक्स थे और कुछ इसकी चीज़ें थी। और अभी जैसे कि काफ़ी सारी शादियां वगैरह भी आ रही हैं, तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कपड़े, उन फंक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और उसकी नानी और उसकी खाला जी उसको लेकर गई थी, और उसी की पसंद से दिलाए थे उसको ये कपड़े और शूज़ भी, और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी सारी चीज़ें। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और अपनी साइकिल के लिए कुछ स्टिकर्स वगैरह भी लेके आया था, स्टिकर प्यारे प्यारे, तो वो भी उसने यहाँ पर रखे हुए थे। और जैसे कि आप सभी मेरे व्लॉग देखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पर सेल लगी होती है, जिसमें अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आती रहती हैं। कभी कोई प्रोडक्ट आता है, कभी कुछ और उससे अलग आ जाता है। तो ये कुछ वहाँ पर इस तरह के बैग्स आए हुए थे छोटे छोटे, जिसमें मैंने अपने सारे जितने भी मैंने सूट्स स्टिच किए थे वो सारे मैंने इसमें रख दिए थे डाल के, फंक्शन वाले, ताकि मुझे इजी हो वहाँ से निकालना। और इसी तरह से मैं और भी बैग लाई थी, ये देखें। और एक बैग मैं इसलिए लाई थी स्पेशली, जैसे सारे शूज़ वगैरह हमारे होते हैं उनको भी कैरी कर सकते हैं आप इजीली। और ये देखें, इतने सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे, फिर उनको आयरन करके मैंने सेट करने लगी थी अलमीरा में। और ये कुछ मेरे पास हेयर पिन रखे हुए थे, जो कि इस तरह से ये टूट गए थे डेकोरेशन वाले, और ये मेरे अपने पर्सनल यूज़ के थे, तो मैंने इनको फिक्स किया था, इनको मैंने स्टिक किया था। ग्लू गन तो थी नहीं मेरे पास, है बट उसकी स्टिक ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई थी उसकी स्टिक, है नहीं मेरे पास, तो मैंने इसको फिक्स करके रखा था सूखने के लिए। और उसके बाद मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, और ट्यूशन के बाद ये देखें जाने लगे हैं, क्यूट क्यूट से प्यारे से बच्चे भी आते हैं छोटे छोटे। और उसके बाद में मेरा ये फ्रिज है, एक साइड से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया था। यहाँ पर खाना वगैरह बनाने की जितनी भी चीज़ छींटे वगैरह होती हैं वो यहाँ पर चली जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था। और मैं उसको क्लीन करने की कोशिश की थी मैंने, तो वहाँ से स्क्रैच आ गए थे उस पर काफ़ी सारे। तो जब मैं सेल में से बैग्स लेकर आई थी वो, तो वहाँ पर ये वॉलपेपर के रोल भी पड़े हुए थे, तो एक मैं लेकर आई थी वहाँ से, ताकि मेरे फ्रिज से मैचिंग हो जाए। और इस पर ब्रिक्स बनी हुई थी, और ये देखें काफ़ी प्यारा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड इसको अप्लाई कर रहे थे, और काफ़ी सारा रोल इसमें से बच भी गया था। और ये देखें, नीचे से इसमें पेपर निकालना होता है और ये अच्छे से स्टिक हो जाता है, काफ़ी फिनिशिंग से उन्होंने लगाया था, और काफ़ी अच्छा लगने लगा था। ये एक साइड से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था ये, अच्छा, और साफ़ करने के बाद भी ये क्लीन नहीं होता था। तो मैंने यहाँ पर इसलिए वॉलपेपर लेकर आई थी, ताकि ये थोड़ा अच्छा इसका लुक आ जाए। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा था ये, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओनली 30 रुपीज़ का मैं रोल लेकर आई थी ये, पर देखिए कितनी एकदम रियल वाली ब्रिक्स लग रही हैं ये, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है छोटे मोटे चेंजेस करना इस तरह से घर में, डेकोरेशन करना, कोई चीज़ें अपनी जगह से दूसरी जगह सेट करना, इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर ये मैंने गर्म सारे अपने सर्दियों वाले कपड़े निकाल डाले हैं बाहर, और ये बेड में रखे हुए थे बॉक्सेस में, और मैंने सारे कपड़े निकाले हैं। और काफ़ी सारे कपड़े ऐसे थे जो मैं लेकर आई थी, बट सीज़न लास्ट हो गया था, और सेल में काफ़ी अच्छे वुलन क्लॉथ्स आए हुए थे, तो मैं लेकर आई थी, तो वो भी सारे रखे हुए थे, तो मैंने वो भी सभी निकाले हैं।
आप ये देखें इतना सारा जो ये वुलन वाले कपड़ों का पूरा पिटारा है मेरे पास, और मेरे बेटे की एक ट्रैक वाली यूनिफॉर्म है, ट्रैक सूट है, तो वो भी मैंने निकाल ली थी। जैसे कि वो मॉर्निंग में जाता है तो वो जब काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है 7 बजे, तो इसलिए मैंने सारे कपड़ों को अभी निकाल के दूसरी साइड पर रख लिया है जहाँ से मुझे इजी हो सामान निकालना। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती रहेगी उसी तरह से मैं थोड़े थोड़े कपड़े निकालते जाऊँगी। और अभी मैंने जो समर वाले कपड़े हैं वो भी नहीं रखे हैं, तो जब मैं वो सारे कपड़े समर वाले क्लोथ्स सारे निकालने के बाद अलमीरा में मेरे पास स्पेस हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर तब मैं ये सारे विंटर वाला जो कलेक्शन है ये सभी निकाल लूँगी बाहर। और इसमें मुझे मिनिमम 2 घंटे इसमें लग गए थे मुझे सेट करने में, इसके लिए जगह बनाने में, और क्योंकि वुलन जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जगह इनको चाहिए रखने के लिए, तो मैं इन्हीं को सेट कर रही थी। इनको रखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और जगह ही नहीं मिल पा रही थी। ये देखें अभी पहले मैंने इनको इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है, और एक साइड पर मेरे, एक साइड पर मेरे हस्बैंड के, और जैकेट्स अलग थी और मेरे बेटे के अलग थे, और ये एक साइड पर सारे कैप्स, सॉक्स, ग्लव्स और बाकी सारी चीज़ें थी जो ज़िपलॉक वाले मैंने पैक में रखे थे ताकि इजी हो। छोटी छोटी चीज़ें गुम जाती हैं, वो नहीं मिल पाती हैं आसानी से, तो इसलिए मैंने अलग से उनको पैकेट में करके रख दिया था। और इसके बाद में मैं सारे कपड़ों को निकालने लगी थी जो कि समर के रखे हुए थे मेरे बेटे के, तो उनको मैं निकाल रही थी जो अभी उसमें फ़िलहाल नहीं आने वाले हैं। और कुछ कुर्ते भी थे जिनको मैं निकाल रही थी, और कुछ उसकी कैपरी वगैरह थी जो कि वो नाइट में पहनता है, तो अभी फ़िलहाल वो भी सीज़न नहीं है क्योंकि डेंगू के, मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉस्किटो से मैं फुल स्लीव्स के और ज़्यादातर पूरी बॉडी को कवरअप करके ही कपड़े पहना रही हूँ ताकि मच्छरों के काटने से बचा जा सके। और ये कुछ कपड़े मैंने सेट कर दिए हैं और बाकी ये निकाल रही हूँ मैं उसके कपड़े, और रखते जा रही हूँ जैसे उसमें स्पेस बनता जा रहा है। और कुछ कपड़े मैंने अपने भी निकाले हैं, और सबसे ज़्यादा स्पेस इन जैकेट्स ने लिया है जो कि मैंने बास्केट में अभी फ़िलहाल के लिए रख दिया है। जैसे ही थोड़ी थोड़ी जगह बनेगी वैसे ही मैं इनको सबको शिफ्ट करते जाऊँगी अलग अलग जगह पर, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इन सारे कपड़ों को एक साथ रखना। और कुछ कपड़े मैंने हैंगर में लगा के रखे थे अपने हस्बैंड के जो कि, और जितने कपड़े बच गए थे उन सभी को मैंने बॉक्स में डाल दिया था इधर के साइड ताकि मुझे इजी हो निकालना, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा हमें जल्दी से निकालने होते हैं कपड़े, तो मैंने सभी यहीं पर रख दिए थे ताकि मैं आसानी से निकाल सकूँ। उसके लिए मुझे बॉक्स को थोड़ा सा खाली करना था जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फुल हो रखा था वो। और कपड़े मैंने सेट कर दिए थे अच्छे से और इजीली मैं निकाल सकती थी उनको जब मुझे यूज़ में लेने हों। और उसके बाद में मेरे पास अलमीरा में एक छोटी सी ड्रॉअर थी जिसमें कि मैंने ये छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे मैंने कुछ जिप्स वगैरह, कुछ लॉक और कोई छोटे मोटे जैसे छोटी मोटी चीज़ें, बटन्स वगैरह हो गए, कुछ पॉली बैग्स थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, वेलक्रो थी, काफ़ी सारी सिलाई से रिलेटेड चीज़ें थी इसमें मैंने जो रखी हुई थी बटन्स वगैरह, उसलिए मैंने एक बॉक्स को निकाला है और बाकी सारे मैंने बॉक्स जो जितने भी एक्स्ट्रा थे उनको फेंक दिया है। और ये मेरे पास काफ़ी सारी कीप्स रखी हुई थी इनको भी मैंने निकाल लिया है, ये शायद एक्सपायर हो गई थी और कलर भी नहीं आ रहा था इनमें बिल्कुल भी, तो ये सभी मैंने चीज़ें जितनी भी वेस्ट थी वो सभी निकाल ली थी। और ये मेरे पास पॉली बैग्स पड़े हुए थे जिनको मैंने फोल्ड करके रख लिया था, यूज़ में आ जाते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ये। और बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और ये कपड़े मैंने ये देखें वॉश किए थे तो मैंने कुछ कपड़े यहाँ डाले हैं दोनों साइड। और ये मेरे पास कॉम्पैक्ट एक मेरा टूट गया था वो रखा हुआ है, और ये मैंने कीप्स रखी हुई हैं कुछ जो मैंने निकाली थी।
और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए फ़ोन के इनके बैक कवर रखे हैं, जो कि उनके फ़ोन का बैक कवर ख़राब हो गया था एक, और ये शलजम वाला रखे हुए हैं आए हुए, जो कि मुझे। अगर आज का आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।